जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली यह है एनएसजी कमांडो पर। बहुत सारे दोस्त मेरे को बार बार क्वेश्चन ये आता है, साथ में एक दो कमांडो और ऐड करूँगा, कोबरा कमांडो भी और जो आरपीएफ कमांडो आरएफ कमांडो उसके बारे में भी, उनमें भी थोड़ी सी एसपीजी कमांडो के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। लेकिन विशेष रूप से यह है एनएसजी कमांडो के बारे में। बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं छोटे भाई, वो बार बार मेरे से इस बारे में पूछते हैं, या कुछ लोगों को नहीं पता होता कि एनएसजी कमांडो कैसे बनते हैं। आप सभी को पता है कि एनएसजी कमांडो की कोई स्पेशल बाहर से वैकेंसी नहीं होती है, ठीक है। आपने कहीं नहीं देखी होगी कि एनएसजी कमांडो की वैकेंसी आ रखी है। तो दोस्तों इसमें कुछ इस पर 53% आर्मी और 47% पैरामिलिट्री फोर्स के लिए रिजर्व की गई है। मतलब एनएसजी कमांडोस में आर्मी के भी जवान रहते हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के भी जवान रहते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स में से सभी फोर्सेस, चाहे असम राइफल, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इन सभी फोर्स के मिला के 47% जवान और 53% जवान रहते हैं एनएसजी के, जो एनएसजी नहीं आर्मी के एनएसजी में जवान रहते हैं। ये दोनों को मिला के आर्मी के 100% जो वैकेंसी हो कंप्लीट होती है। इसकी अलग से बाहर से कोई वैकेंसी नहीं आती, लेकिन इसकी जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको इनमें से किसी न किसी फोर्स का हिस्सा होना पड़ेगा, चाहे आप आर्मी के हो, चाहे आप सीएपीएफ की किसी न किसी फोर्स के हो, तब आप एनएसजी कमांडो बन सकते हो। आप स्टेट पुलिस की अगर हो तो एनएसजी कमांडो कोर्स जरूर कर सकते हो, लेकिन आप एनएसजी कमांडो में काम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एनएसजी कमांडो कोर्स जरूर कर सकते हो एनएसजी इंस्ट्रक्टरों के साथ या एनएसजी के साथ में, लेकिन आप एनएसजी के साथ में काम नहीं कर सकते, जिनको ब्लैकेट कमांडो भी बोला जाता है हमारे देश में। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए आपको किसी न किसी फोर्स का हिस्सा होना पड़ेगा। उसके साथ में ट्रेनिंग के एक साल को हटा के, ट्रेनिंग का एक साल आपका काउंट नहीं होता, उसके अलावा आपकी 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, 5 साल की सर्विस, और आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए। वैसे 32 है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 30 साल से आपकी एज कम होनी चाहिए 5 साल की सर्विस के बाद। यानी अगर आप 21 साल के भर्ती होते हो तो आपके 25 से 26 साल की जब आप हो जाओगे तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसकी जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है दोस्तों, सबसे पहले जैसे आपके होते क्या, हर साल एनएसजी की तरफ से डिमांड दी जाती है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस से हमको 500 जवान चाहिए। तो आप जिस डिपार्टमेंट में हो उस डिपार्टमेंट में ये नोटिफिकेशन आती है, आपको बोलते हैं कि जो कोई एनएसजी में जाना चाहता है तो अपना वॉलंटियर से होके एप्लीकेशन दे दे। तो आपको एक फॉर्म होता है, उसमें आप लिख सकते हो कि हाँ मुझे एनएसजी में जाना वॉलंटियर। वॉलंटियर के मतलब आप अपनी इच्छा से जाना चाहते हो, तो आपने वहाँ पे वो लिख दिया आप एनएसजी कमांडो में जाना चाहते हो। ये इसकी प्रोसेस होती है। इसके लिए ये नहीं होता कि इसमें कोई एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम कुछ नहीं होता। आप सीधा से आपसे फॉर्म भरा जाएगा, वैकेंसी आएगी, आप लिखोगे, आपका नाम चला जाएगा एनएसजी में, और फिर उसके बाद में जब भी एनएसजी की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो आपको रिकॉल आएगा कि हाँ भाई जिन बंदों के इन बंदों का सिलेक्शन हो गया है, इनको आप ट्रेनिंग के लिए भेज दीजिए। फिर आप ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे, उसकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसके पहले 2-3 वीक में ही ट्रेनिंग से काफ़ी लोग बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन इसका जो फिजिकल है वो बहुत टफ होता है। इसकी जो मेन ट्रेनिंग होती है वो होती है फिजिकल की। अब कुछ मेरे से यहाँ पे क्वेश्चन ये भी रहते हैं, कैसा लड़कियाँ एनएसजी कमांडो बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। अभी प्रेजेंट टाइम में लड़कियाँ एनएसजी कमांडो है, कोबरा कमांडो भी लड़कियाँ बन गई है सीआरपीएफ की, 25 कोबरा कमांडो बन गई है सीआरपीएफ की लड़कियाँ। तो अब तो कोबरा कमांडो भी बन गई और एनएसजी कमांडो भी लड़कियाँ बन सकती है। तो उसकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके पहले महीने में सबसे ज़्यादा रिलीगेट हो जाते हैं। रिलीगेट का मतलब हो गया क्योंकि कईयों की फिजिकल कमज़ोर होता है या हाथ पैर में कहीं चोट आने की वजह से, इसका जो फिजिकल है उसमें रनिंग का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। जिन बच्चों की रनिंग अच्छी होती है, आपको पता है आर्मी में जितने भी लड़के लगते हैं उनकी रनिंग तो अच्छी होती ही होती है, साथ में आपका फिजिकल भी इसमें टफ होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें रनिंग का बहुत महत्व रहता है। रनिंग बहुत करवाते हैं इसमें विथ वेट, मतलब वजन के साथ में आपकी रनिंग होती है। जैसे कोबरा में कमांडो आप कोर्स करते हो तो आपको कम से कम 5 किलो वेट के साथ में ही आपको पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उससे कम तो आपका कभी वेट होगा ही नहीं, उससे बढ़ सकता है लेकिन कम कभी नहीं होगा। इसी प्रकार एनएसजी की भी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, आपको ट्रेनिंग फाइट करनी होती है। इसके बारे में कुछ वीडियो वायरल भी होते हैं कि एनएसजी कमांडो इतनी मतलब गोलियां फायर करता है अपने ट्रेनिंग में कि एक आर्मी जवान पूरी सर्विस में नहीं करता, तो ये बात तो फेक है, ऐसा तो कुछ नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी एनएसजी कमांडो में वेपन की सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब कि हथियार को चलाने की गोलियां एवरीडे, मतलब आपकी फायरिंग प्रैक्टिस होती है एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग में। तो उसमें भी आपको लास्ट में पास होना पड़ता है, सभी मापदंडों में पास होने के बाद में 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद में, ये मान के चलिए अगर 500 बंदे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो उनमें से 150 के समथिंग रिलीगेट हो जाते हैं इसकी ट्रेनिंग में। उसका रीज़न ये है कि इसका फिजिकल मापदंड है वो आपको ये नहीं दे, अगर आप बीमार हो गए तो वहाँ पर नहीं रखेंगे, आपको रिलीगेट कर देंगे, ठीक है। तो आपको पूरा फिट रहना पड़ता है इसकी ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद में आप ट्रेनिंग एक बार पास कर ली तो फिर उसके बाद में आप 5 से 6 साल एनएसजी कमांडो की सर्विस कर सकते हो, यानी 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है इसकी,
तो वही है इसका सिलेक्शन प्रक्रिया। इसके अलावा ये नहीं है कि आपको सिलेक्शन प्रक्रिया भाई इसको एग्ज़ाम देना है, कोई एग्ज़ाम कुछ नहीं देना है। आपको वॉलेंटियर होकर अपना नाम देना है, उसके बाद में आपका नाम आ जाएगा, आप ट्रेनिंग के लिए चले जाओगे। अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर देते हो तो आप एनएससी कमांडो मिल गए। अब एनएससी कमांडो के लिए कोई भत्ते स्पेशली क्या मिलते हैं दोस्तों, मैं बता दूँ, इसमें 60% आपकी बेसिक पे का रिस्क अलाउंस मिलता है, और कम से कम अगर उससे भी कम अगर रिस्क अलाउंस बन रहा है तो कम से कम 17,500 इसका रिस्क अलाउंस है। 60% का बेसिक का मतलब हो गया कि अगर आपकी पेमेंट मान के चलिए 30,000 है तो बेसिक पे उसका 60% लगा लीजिए 18,000, तो 18,000 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, 30 और 18 48,000, बाकी जो भी आपके पेमेंट में मिलते हैं वो 18,000 रुपये आपको इसका रिस्क अलाउंस या एक्स्ट्रा मनी के रूप में मिलता है दोस्तों एनएससी में 60%। और अगर किसी का 60% 17,000 से अगर कम हो रहा 60% तो उसको 17,500 कम से कम इसमें रिस्क अलाउंस दिया जाता है दोस्तों। इसके अलावा इसमें आप 5 से 6 साल सर्विस कर सकते हो, उसके बाद में आप एसपीजी में जा सकते हो। आपने देखे होंगे जो सूट वूट पहनते हैं जो स्पेशली प्राइम मिनिस्टर के प्रोटेक्शन के लिए होती है एसपीजी, उसके आप एनएससी कमांडो के बाद में एसपीजी में भी जा सकते हो और सीधे भी एसपीजी में जा सकते हो, यही उसका रूल है, उसकी भी इस प्रकार से ट्रेनिंग होती है दोस्तों। इसके अलावा जैसे कोबरा कमांडो, आरपीएफ कमांडो, क्रोकोडाइल कमांडो, ये अलग अलग जो निंजा कमांडो सी है सबके, इनकी क्या क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में अगर बात करें, कोबरा कमांडो तो आप जस्ट ट्रेनिंग के बाद में बन सकते हो, लेकिन उसमें ये शर्त यह है कि आपको सीआरपीएफ में ही होना पड़ेगा। सीआरपीएफ कमांडो ही केवल कोबरा कमांडो बन सकते हैं। कोबरा कमांडो में भी प्रेजेंट टाइम में जो रिस्क अलाउंस है वो 17,500 है। अभी प्रेजेंट टाइम में लड़कियां भी कोबरा कमांडो बन गई है, 25 लड़कियां सीआरपीएफ की अभी प्रेजेंट टाइम में कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग फाइट करके अभी प्रेजेंट टाइम में कोबरा के रूप में काम कर रही है दोस्तों। वो भी वॉलंटियर होती है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं भेजा जाता, कोई भी कमांडो कोर्स में किसी को ज़बरदस्ती नहीं भेजा जाता, वॉलंटियर नहीं स्वयं इच्छा से जाके वो कोर्स कराया जाता है। क्योंकि अगर किसी को ज़बरदस्ती भेजेंगे तो आपको पता है पहले तो वो ट्रेनिंग हार्ड है तो नहीं कर पाएंगे, कहीं चोट वोट लग जाएगी, नुकसान उठा लेंगे, तो इसी के लिए वॉलंटियर होकर ही जाना पड़ता है। अब बात आती है क्रोकोडाइल कमांडो, जो बीएसएफ के वो स्पेशली गश्त लगाते हैं, ऑपरेशन ड्यूटी करते हैं, तो उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग के जस्ट बाद में जा सकते हो। उसमें भी कोई सर्विस का प्रावधान नहीं है कि इतने साल आपकी सर्विस होनी चाहिए, इनके लिए एग्जाम नहीं होते। जितने भी कमांडो कोर्सेज है इनके लिए एग्जाम नहीं होते। एक मेरे से बार बार पूछते हैं कि सर आरएएफ में जाने के लिए, रैपिड एक्शन फोर्स में जाने के लिए क्या प्रोसेस होती है? कुछ प्रोसेस नहीं होती, आपकी कम से कम उसमें भी 5 से 6 साल सर्विस होनी चाहिए। जल्दी आपको रैपिड एक्शन फोर्स में नहीं भेजते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादातर बंदे होते हैं वो जो एक्सपीरियंस बंदे ही लेते हैं, इसलिए क्योंकि आपको पता है उसका काम कुछ इस प्रकार का, इसलिए एक्सपीरियंस बंदे लेते हैं। तो कम से कम 3-4 साल आपकी सर्विस होनी चाहिए, 5 साल का प्रावधान नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम तीन वो आपका आएगा नहीं। अगर आपकी 3-4 साल सर्विस होगी तो आपका लेटर नहीं आएगा ज्वाइनिंग का आरएएफ का, रैपिड एक्शन फोर्स का। एनडीआरएफ में कोई भी जा सकता है, तो उसमें सभी फोर्सेज जितने भी फोर्स है पैरामिलिट्री फोर्स का, वो कोई भी बंदा एनडीआरएफ में काम कर सकता है। उसके लिए कोई प्रावधान नहीं कि आपकी इतने साल की सर्विस होनी चाहिए, इतने साल की सर्विस होनी है। वीआईपी बटालियन के बारे में भी बता दूँ साथ में, वीआईपी बटालियन में जो भी नया लड़का भर्ती होता है वो बिल्कुल वीआईपी बटालियन में जा सकता है, वीआईपी प्रोटेक्शन में जा सकता है, चाहे वो सीआईएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, इनमें से कोई भी फोर्स में से आप अगर वीआईपी प्रोटेक्शन में जाना चाहते हो तो चले जा सकते हो। एक पार्लियामेंट्री जो ड्यूटी होती है स्पेशली, उसमें भी आपके लिए कोई सर्विस का मापदंड नहीं कि आप इतने साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ कमांडो फोर्सेस थी जिनके बारे में मैंने बता दिया, स्पेशली आपको एनएससी के बारे में जानना था तो वो भी बता दिया, साथ में अगर और कोई सी कमांडो फोर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी। जय हिंद, जय भारत।